पंकज जी आपका चंदौली में स्वागत है। अभी समाजवादी पार्टी के रामगोपाल जी वरिष्ठ नेता वो आए थे, उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश का फोबिया हो गया, चाहे वो बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता, क्या कहना है? आप देखिए, इसमें अब ये सपा के नेता सपा की ही बातें, अब उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। ये सब चीज़ों का पता तो अब 10 मार्च को लग ही जाना है। और मैं इतना कह सकता हूं आपको, देखिए मैं नोएडा गाज़ियाबाद से देखते हुए मैं लखनऊ बनारस आज चंदौली में हूं, मैं इतना बहुत विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी 370 और 35 ए की तरह है इतिहास के पन्ने में शामिल होने वाली है। कल आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी आए थे, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो है आतंकियों का साथ देते हैं, उनके मुकदमे वापस लेते हैं। बिल्कुल संघपात की बात कही है रामगोपाल ने कि भाजपा नेताओं को, चाहे वो बड़े नेता हो, इवन यूं कहा जाए कि प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जी तक, मोदी जी से लेकर योगी जी तक, कि उनको संघपात हो गया, अखिलेश का फोबिया हो गया, डर गए सारे भाजपाई। अब मैंने कहा ना कि इस बार 370 और 35 ए की तरह समाजवादी पार्टी यह इतिहास के पन्ने में शामिल हो जाएगी। और जहां तक रही बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, तो उन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक है। और उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है कि किस तरीके से आतंकवादियों को छुड़ाने की वकालत करते हैं, वोट मांगने के लिए जिन्ना जैसे नाम को भी उठाने में परहेज समाजवादी पार्टी के नेता नहीं करते हैं। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे राष्ट्रवाद में उनको खोट और आतंकवाद में वोट दिखाई देता है, तो ऐसे लोगों को इस चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जनता तैयार है। और इसीलिए मैं बहुत विश्वास से कहता हूं कि इतिहास के पन्ने में शामिल होने वाले हैं। नोएडा के विधायक हैं गाजी, अरे लखनऊ भी आपने प्रचार प्रसार किया, आप चंदौली में, कितनी सीट भारतीय जनता पार्टी? देखिए एकदम मैं वहां से लेकर, मैं पश्चिम से लेकर जो हवा जो है वह यही संकेत देती है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं 300 से ऊपर और 350 के आसपास हमारी सीटें होंगी। पक्का? बिल्कुल, पूरे विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ।